अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक नई डिश लेकर आई हूँ जो चिकन की है, चिकन विद ब्लैक पेपर। ये चिकन के साथ मैं कि चिकन जो है काली मिर्च के साथ बनाऊंगी, जो कि बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी बनती है और बच्चे इसे बड़े शौक से खाते हैं। इसके लिए मुझे जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, इसमें हमें चिकन चाहिए, ये मेरे पास जो चिकन है ये तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा है, और इसके साथ हमें ब्लैक पेपर चाहिए, जो कि क्योंकि ये चिकन ही विद ब्लैक पेपर है इसलिए हमें ब्लैक पेपर चाहिए, काली मिर्च, ये अदरक लहसुन है, हल्दी चाहिए, इसमें योगर्ट चाहिए, सॉल्ट चाहिए, ग्रीन चिल्ली चाहिए, हमें ऑयल चाहिए और हमें एंड में क्रीम चाहिए। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें चाहिए चिकन विद ब्लैक पेपर बनाने के लिए। मैं आपको बताती हूँ किस तरह हम इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं ये पॉट रखा है और मैं फ्लेम ऑन करती हूँ और इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा नहीं मैं यूज़ करूँगी, बिल्कुल मीडियम सा, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए हमें। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो मैं इसमें जिंजर और गार्लिक डालना शुरू कर रही हूँ। ये अब इसमें जो गार्लिक है और जिंजर ये मैं डाल रही हूँ। ऑयल में गर्म हो गया हमारा ऑयल और ये अब इसको थोड़ा सा मैं फ्राई कर लूँगी। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जिंजर और गार्लिक, मोस्टली गार्लिक को जब भी आप किसी भी सालन बनाना शुरू करें कोई भी चीज़, तो इसको थोड़ा सा भून लिया करें, तो गार्लिक की जो अपनी स्मेल है, इसकी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है, वो सही हो जाता है, बिल्कुल इसकी फ्रेगरेंस कम हो जाती है। ये तकरीबन लहसुन जो है फ्राई हो गया है, इसमें थोड़ा सा मैं पानी का छींटा देती हूँ। ये इसको फ्राई करने का सही तरीका है कि थोड़ा सा पानी आप डालें और फिर इसका पानी ड्राई अप कर दें। इसका तकरीबन पानी ड्राई अप होने वाला है और ये मैं इसके अंदर हल्दी, टर्मेरिक पाउडर डाल रही हूँ। इसको भी थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ। और इसके अंदर मैं डायरेक्ट हरी मिर्च, जिन्होंने 4-5 हरी मिर्चें जो मैंने जूलियन कट काट ली वो भी इसके अंदर ऐड कर दी, और अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी। और इसको मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी ताकि चिकन का जो अपना पानी है वो ड्राई हो जाए। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ थोड़ा सा और फ्लेम में ज़रा तेज़ कर रही हूँ इसका फुल पे, मैंने इसको ज़रा मीडियम पे कर दिया था और अब मैं इसको फुल आंच पे ज़रा इसको रख रही हूँ ताकि इसका अपना पानी जो है कि चिकन का वो खुश्क हो जाए। तो इसको अब देखें, थोड़ी देर में रख देती हूँ ताकि इसका पानी जो है चिकन के अंदर वो बाहर निकल आए, और फिर इसके बाद मैं इसको भूनूंगी और इसका पानी खुश्क करूँगी। देखें इसका पानी ड्राई हो रहा है और ये पानी ड्राई हो जाएगा तो ये थोड़ी सी गल भी जाएगी, लेकिन अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लेके इसको थोड़ा सा और भूनती हूँ। देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है और मैंने इसका फ्लेम भी जो है मीडियम किया हुआ है। इसको भी थोड़ी देर और करते हैं, रखते हैं ताकि ये अच्छी तरह इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। और ये और इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च, साबुत काली मिर्च थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर चला जाए। और इसके अंदर मैं ये नमक जो है 1/2 स्पून डाल रही हूँ अभी इस टाइम पर। देखिए इसका पानी जो है निकलना शुरू हो गया। आपको पता है चिकन तो इतनी डेलिकेट होती है, इसको आप जब भून रहे होते हैं तो उसी वक्त ये गल भी जाती है इसके साथ साथ, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं करना होता कि इसको गलाना है, ये पकने के साथ साथ ही गल जाती है। जब ये कुकिंग इसकी कंप्लीट होगी, इस चिकन और काली मिर्च की जैसे ही कुकिंग कंप्लीट होगी उस वक्त ये जो हमारी चिकन है ये गल चुकी होगी। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी चिकन जो है तकरीबन इसका पानी जो है ड्राई होने को हो गया है बिल्कुल, इसमें इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है।
जब पूरी कंप्लीट बनेगी तो कितनी टेस्टी होगी। अब देखिए मैं इसके अंदर योगर्ट ऐड कर रही हूँ, जो मैंने देखे मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है और इसके अंदर कोई गुटलियाँ नहीं है, तो आप भी इसको अच्छी तरह फेंट लीजिएगा और फेंट के तब जाके आप योगर्ट इसके अंदर डालिएगा। ये देखें इसमें योगर्ट शामिल कर दिया है और अब इसको मैं थोड़ी देर पकने के लिए रखती हूँ ताकि इसका योगर्ट जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। तो ये मैं इसको रख रही हूँ थोड़ी देर के लिए। अब ये देखें कि हमारा चिकन अब जो है तकरीबन कुक हो चुका है और इसके अंदर जो हमने योगर्ट डाला था वो भी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब इसको हमने ज़रा भूनना है, लेकिन मैंने इसमें नमक, पहले आपको पता है मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का डाला था, तो मैं अब ये हाफ टी स्पून और नमक डाल ऐड कर रही हूँ इसमें। मैंने उस वक्त इसलिए ज़्यादा नहीं डाला, आप चाहें तो एक वक्त में भी फुल टी स्पून डाल सकती हैं, क्योंकि ये भुना हुआ होता है और समटाइम्स ऐसा ना हो कि नमक तेज़ हो जाए, तो मैं ज़रा थोड़ी सी एहतियात करती हूँ। और अब ये टाइम है इसके अंदर हम ये जो मैंने ये क्रश जो मैंने की है काली मिर्च, अब इसको मैं इसका ये एक टी स्पून इसके अंदर डाल रही हूँ। इसके अंदर से सिवाय काली मिर्च का और कोई टेस्ट नहीं होगा, बहुत टेस्टफुल होती है, बच्चे इसको बहुत शौक से खाते हैं, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए ये भून रहा है, मैं इसे थोड़ा सा बिल्कुल ड्राई अप कर लूँगी तो फिर हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। ये देखें अब मैं तकरीबन इसको भून रही हूँ, तकरीबन गल चुकी है और इसका पानी भी ड्राई अप हो गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा भूनती हूँ, फिर उसके बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और फिर हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। इसे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है, अब मैं इसके अंदर देखेंगे घी निकल आया है, देखें आप, तो अब ये जो है तकरीबन हमारी चिकन तैयार है। अब इसके अंदर मैं क्रीम ऐड करूँगी, इसके अंदर क्रीम जो है वो मिक्स हो गई है। आप चाहें तो कम, मैंने इसमें मैं दरमियानी क्रीम डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालती, तो ये सही है। अब मैं इसको हल्की आंच पे थोड़ी देर के लिए रखूँगी, लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए, और फिर हमारी चिकन विद काली मिर्च तैयार हो जाएगी। हमारी चिकन जो है पूरी रेडी है, चिकन विद ब्लैक पेपर। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ, चिकन डिश आउट कर लिए ये, अब मैं इसको डेकोरेट करती हूँ। और इसके अंदर मैं थोड़ी सी काली मिर्च जो क्रश की हुई है वो इसकी गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ। कोरिएंडर, ग्रीन लीव्स, जिंजर, चिकन विद ब्लैक पेपर इज़ वेरी टेस्टी। क्रीम के साथ बनाइए, बच्चे इसे शौक से खाते हैं, ये बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कितनी टेस्टी है ये और कितनी मज़े की लगती है खाने में। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। व्यूवर्स, आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, उससे आपको मेरी नई वीडियो डायरेक्टली आपको मिल जाएगी। तो आप सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। जब आप लाइक करते हो तो हमें पता चलता है कि हमारे डिशेस को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, नहीं तो हमें नहीं पता चलता कि आपको ये डिश पसंद आई कि नहीं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।